तो हाय गाइस, कैसे हो लोग? भी देखिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, यहाँ पर हम बात करने वाले उसी मनहूस ऐप के बारे में जिसका नाम है भाई अमेज़न। तो दोस्तों, क्या है कि भाई एक नल आदमी की ना लाइफ सेट हो सकती है, लेकिन अमेज़न की प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती भाई। एकदम सच्ची मैं बता रहा हूँ, एक के बाद एक आते ही रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस बार भी आ चुका है, ठीक है दोस्तों। और अमेज़न के ऊपर मैंने पहले भी दो वीडियो बना चुका, आपको अगर नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि उस वीडियो के नीचे कॉमेंट आया कि भाई मेरा UPI ID जो है नेट डेस्क ब्लॉक हो चुका है। अब दोस्तों, होने का तो बहुत कुछ होता हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ हो, जो भी हुआ हो, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों, जो बंदे है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं उसके रिगार्डिंग जो भी हो सकते पॉसिबिलिटीज़ मैं उसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा कि भाई ने तो एक अकाउंट बनाया था अपने ओरिजिनल अकाउंट जिसे बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है एक नया वाला अकाउंट खोला, उसमें ही पहला वाला फ़ोन नंबर देके UPI करने गया, ठीक है। तो वहाँ पर सिंपली दिखाएगा कि भाई मैं आपने जो है पहले एक UPI रजिस्टर किया इस मोबाइल नंबर से दूसरे अकाउंट पे। तो भाई ने क्या किया, दूसरे अकाउंट पे जब आया तो वहाँ पर भी दिखाया कि भाई आपने जो नया एक अकाउंट बनाया वहाँ पर आपने इसी नंबर से UPI रजिस्टर किया, इसीलिए जो है आपका ये पुराना वाला अकाउंट पे जो UPI लिंक है वो 90 डेज़ के लिए ब्लॉक हो चुका है। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आप भाई की सिचुएशन ऐसी है, ना रहे घर के ना रहे घट के, आप भैया क्या करें। तो उसकी इसका सॉल्यूशन जो मैं आज लेके आया हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसका दो ही रास्ते है, ठीक है, एक मैं दोनों ही बताऊंगा, ठीक है, आप लास्ट तक देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं यार, वीडियो को उन्हीं लोग देखना जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो प्लीज़ अब जा सकते हो, ठीक है, मैं आपकी कीमती समय एकदम बर्बाद नहीं करूँगा, ठीक है, प्लीज़ यार अब जा सकते हो। लेकिन यार, जाने से पहले एक लाइक करते जाना, ठीक है, और अगर सब्सक्राइब किए हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज़ यार ऑल वाला जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ऑन कर देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले जो है आपको कुछ चीज़ चाहिए होगा, सबसे पहले जो है आपका एक रिक्वायरमेंट होगा इस प्रोसेस के लिए, वो है कि आप दोनों अकाउंट पे जो है जो भी ईमेल आईडी आपने दी है वो जेनुइन होना चाहिए, और उसका पासवर्ड भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे अगर आपको नहीं होगा, मतलब कि आपके दोनों में दोनों अकाउंट जो है वो खुदा के भरोसे, ठीक है, वो रिकवर नहीं हो सकती, ठीक है, अगर होगा भी वो 90 डेज़ के बाद ही होगा, ठीक। दूसरा, आपके फ़ोन में एक ऐप होना चाहिए जो कोई भी नंबर, डिस्पोजेबल नंबर प्रोवाइड करता हो, ठीक है, OTP बाईपास के लिए। सिंपली अगर आपके घर पे कोई नंबर है ऐसे जो अमेज़न के साथ लिंक नहीं हो वो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रेफर करूँगा सेकेंड लाइन ऐप को, ठीक है। तो दोस्तों, क्या है प्रोसेस, क्या है मैं बता दूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है सेकेंड लाइन पे एक अकाउंट बनाना है, और उसमें एक फ्री का एक जो डिस्पोजेबल नंबर लेना है, ठीक है। तो कैसे लेता है उसके लिए आपका जानना है, आपको कुछ नहीं करना, बस आप देख लीजिए, बहुत सारा ऐसे ट्यूटोरियल है यूट्यूब पे, आप देख लीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं मालूम पड़ा कि कैसे करें तो प्लीज़ यार मुझे नीचे कमेंट पे कुछ लिख दीजिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है। तो भाई, क्या है कि डिस्पोजेबल नंबर होने के बाद आपको मैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पे पूरा डायग्राम देख लो, यहाँ पर मैं डायग्राम से बता दूंगा, ठीक है। अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायग्राम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मान लो आप लेफ्ट में जो है वो पुराना वाला ओल्ड वाला अकाउंट, और राइट में जो है वो न्यू वाला अकाउंट। अब क्या करना है, आपको दोनों ही अकाउंट पे ईमेल आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करना है, मोबाइल नंबर देके नहीं करना है, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड देके। तो सबसे पहले जो है आपको पुराना वाला अकाउंट है उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जो डिस्पोजेबल नंबर यहाँ से लिया था, आप क्या करना है, आपको जाना है योर प्रोफाइल में। जाने के बाद यहाँ पर आप जाना है लॉगिन एंड सिक्योरिटी में, नया वाला अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पर जाने के बाद आपको दिखाएगा मोबाइल नंबर, ठीक है, जो मोबाइल नंबर आपने दिए थे वहाँ पर। सिंपली क्या करना है आपको, जो है वो जो डिस्पोजेबल नंबर आपको मिला है वो नंबर यहाँ पर आपको एडिट करना है, ठीक है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पर OTP आ जाएगा, वहाँ से आप सिंपली OTP दे दीजिएगा। OTP देने के बाद आपको नया वाला अमेज़न UPI, नया वाला अमेज़न ID का जो भी पासवर्ड आपने सेट किए थे वो सेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। देने के बाद आपका जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा USA नंबर में, ठीक है। अब सेम तरीके से आपके पुराने अकाउंट पे आपका जो पुराना वाला नंबर था, ठीक है, वो अब तो हो चुका है अपना, तो आपने जो क्या किया था आपने वो भी चेंज कर दिए थे, ठीक है।
है ना। तो चेंज करने के बाद अगर चेंज कर दिए हो ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चेंज किए हो तो वहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सेम तरीके से ओल्ड वाला अकाउंट पे जाओ, सेम तरीके से नंबर को चेंज करो, एकदम जैसे नया वाला अकाउंट में जैसे बताया पुराना वाला अकाउंट पे सेम ऐसे ही करो ठीक है। करने के बाद क्या है, सब ऐप क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद आप फिर से जो है पुराने वाले अकाउंट पे लॉगिन कर जाओ, फिर से ईमेल आईडी और पासवर्ड देके, मोबाइल नंबर देके नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ मोबाइल नंबर देके नहीं आपको लॉगिन करनी है ठीक है। तो ईमेल और पासवर्ड देने के बाद आपका जो मेन ओरिजिनल नंबर है जिस नंबर से आप यूपीआई रजिस्टर करते हो, आप फिर से जाओ माई प्रोफाइल पे, फिर से जाओ आप लॉगिन एंड सिक्योरिटी पे, फिर से आपको वहाँ पर नंबर, आपको वो पहला जो नंबर था वो रिप्लेस करके आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो इनपुट करना होगा, और इनपुट करने के बाद आपका ओटीपी आएगा, फिर से आपका अमेज़न का पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर से अमेज़न पासवर्ड देने के बाद नंबर सेव हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से जो है आपका रिसेंट जो भी ऐप है और अमेज़न के साथ वो भी आप हटा दो। देने के बाद फिर से आप लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कि वहाँ पर देखोगे 99% जो है आपका अमेज़न टी कवर हो जाएगा, अमेज़न यूपीआई। अगर नहीं हुआ बाई चांस, अगर नहीं हुआ तो भाई कोई चारा नहीं, मैंने खुद अमेज़न रिप्रेजेंटेटिव अमेज़न ऑफिशियल से बात की है, वहाँ पर कोई ऐसा कोई तरीका नहीं, ऐसा कोई तोड़ नहीं है कि आप इससे बाईपास कर सको ठीक है। अगर ऐसे होता है तो होता है, अगर नहीं हुआ तो भूल जाओ भाई, खुदा के भरोसे छोड़ दो 90 दिन के लिए, उसके बाद ही ट्राई करना ठीक है। तो आज के लिए छोटा सा ट्रिक था ठीक है, तो इसे यूज़ कर लो, उसके बाद बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा आपका एक्सपीरियंस हुआ ठीक है। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक जय हिंद।